भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अशोकनगर में गरीब कल्याण योजना के कार्यक्रम में शामिल होने आई थी, जिसमें उन्होंने एक बार फिर पीसीसी चीफ कमलनाथ पर विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कमलनाथ के खुद को हिंदू बताने वाले बयान पर कहा कि अपनी माँ से पूछ लो, वो बता देंगी कि आप हिंदू हो या नहीं, जिस पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भाजपा के संस्कारों पर सवाल उठा दिए। मैं ये कहती हूँ, ये वही कांग्रेस है जिसके मुख्य जो पहले प्रधान थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा था कि मैं एक्सीडेंटली हिंदू हूँ। तो कांग्रेस का ये इतिहास रहा है कि उन्होंने कभी भी अपने को हिंदू स्वीकार किया ही नहीं, माना ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी तो होगी, इसलिए वो एक्सीडेंटल हिंदू थे। और इतने 75-76 वर्षों बाद ये मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, तो मैं कहती हूँ कि अभी तक क्या थे? अरे पता कर लेते, जन्मजात आप क्या है माँ से पता कर लेते, परंतु इतने वर्षों बाद पता चला, इसका अर्थ कहीं ना कहीं आज भी आपकी नियत में खोट है। जब हिंदुत्व जाग गया है, हमारे पूरे हिंदू ये समझने लगे कि हम भी गौरवान्वित होकर के अपने मोदी जी सरकार में जी सकते हैं, स्वाभिमान के साथ जी सकते हैं, और हिंदू अब अपने को खड़ा कर लिया है, तब इनको मजबूर होना पड़ा है कि अब हम भी अब हिंदू बन जाए, नहीं तो इनका कहीं ठौर ठिकाना नहीं है, इसलिए उन्होंने ये स्वीकार किया है और मजबूरी में किया है। मान ले एक अपने बेटी अपने पिता से पूछे, पिता से कहा गया, ये अपने भाई से कहा कि अपने माँ से पता करो आप क्या किसके पुत्र हो, किसकी किस जात के हो, किस धर्म के हो। इस तरह माननीय सांसद प्रज्ञा सिंह को क्या उनकी यही संस्कृति है भाजपा की कि 75 साल के वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री से इस प्रकार का प्रश्न करना भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति, इसको उचित कहेंगे क्या? इस सवाल पर मैंने माननीय गंडा जी से जवाब चाहता हूँ।